जी हाँ, टाटा मोटर्स को देखें तो साल 2022 का निफ्टी 50 का टॉप गेनर था, पर यहाँ पे इस साल भी ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव हैं। आज जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे कवरेज शुरू किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ, 630 के लक्ष्य सुझाए हैं, जो कि मौजूदा भाव से देखें तो 26% की वो अपसाइड देख रहे हैं। पर ये जो टारगेट है वो नियर टर्म नहीं है, मार्च 2023 का उनका टारगेट है, और साथ ही उन्होंने जो बुल केस फेयर वैल्यू बताई है वो 783 रुपीज की है। पर क्या है वजह जिसके जेपी मॉर्गन इतने बुलिश हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि कंपनी अपने जितने भी डिविजन्स हैं उनको काफी मजबूती से आगे लेके जा रही है, और साथ ही कंपनी का पूरा फोकस है कि वो उनके जितना भी कर्ज है उनकी बैलेंस शीट पे वो इसको कम करे। फिलहाल कंपनी के बैलेंस शीट पे 604 बिलियन रुपीज का जो है उनके ऊपर कर्ज है, जो कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेशन कर सकती है आगे अक्रॉस द डिविजन्स, जिससे वो अपना कर्ज वापस करती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले जेला डिविजन की बात करें तो यहाँ पे मिक्स में सुधार देख रहे हैं वो, आगे चल के जो लैंड रोवर का जो ओवरऑल मिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। साथ ही कंपनी ने कई सारे नए लॉन्चेस प्लान किए हैं जिसका उनको सहारा मिलेगा। इंडिया बिजनेस में कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है, और साथ ही एबिटा मार्जिन्स में भी सुधार हम आते हुए देख सकते हैं। FY22 में उनका कहना है कि 3.6% के एबिटा मार्जिन्स रहेंगे अनुमानित, जो कि आगे चल के FY24 तक 8.5% तक भी आते हुए हम देख सकते हैं। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो कि मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहां पे साइक्लिकल रिकवरी के चलते यहाँ पे और भी सहारा मिलेगा। बुल केस फेयर वैल्यू मैंने आपको बताया 783 रुपीज वो लगा रहे हैं, जिस तरीके से टाटा मोटर्स ईवी में अपनी लीडरशिप हासिल कर रहा है उसको और मजबूत बना रहा है, और आगे चल के जेएलआर के भी जो मध्यम अवधि के जो टारगेट्स है वो अगर अचीव होते हैं तो टाटा मोटर्स अपनी ये जो बुल केस फेयर वैल्यू है वो भी अचीव कर सकता है। तो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते टाटा मोटर्स आज फोकस में है। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज के अपडेट जो है वो हमें बताने के लिए। तो क्लियरली जेपी मॉर्गन ने मौजूदा लेवल से 26 जी आगे टाटा मोटर्स को देखें तो साल 2022 का निफ्टी 50 का टॉप गेनर था, पर यहाँ पे इस साल भी ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव हैं।